ये दृश्य है शहर से कोसों दूर प्राकृतिक सौंदर्य की छटा बिखेरती पहाड़ियों के बीच बसे आड़ गांव का, जो कि राजस्थान के उदयपुर जिले के अंतर्गत आता है। इन दुर्गम इलाकों में जहां सहायता के लिए कोई नहीं आता, वहां भी लोक हितैषी संत श्री आशाराम जी बापू के साधक पहुंच जाते हैं जरूरतमंदों की सेवा के लिए। परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जी की तरफ से उत्तरायण पर्व के निमित्त यहाँ एक बहुत ही विशाल भंडारे का आयोजन हुआ है। प्रतिवर्ष यहाँ पर गोगुंदा क्षेत्र में भी संत श्री आशाराम जी बापू जी के आश्रम से साधक आते हैं, गरीब लोगों को जीवन उपयोगी वस्तुएं बांटते हैं और प्रतिवर्ष ये वस्तुएं पा करके यहाँ के गरीब लोग अति हर्षित और आनंदित होते हैं। पूज्यपाद संत श्री आशाराम जी बापू के द्वारा ये गरीबों में आदिवासियों में भंडारा किया जा रहा है। इस भंडारे के अंदर हम उनको एल्यूमिनियम के बर्तन लेके उनसे स्टील के बर्तन देना है। पूज्य बापू जी चाहते हैं कि सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और सम्मानित जीवन जिएं। और इस एरिया में जहाँ पर दुर्गम क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जहाँ बहुत लोग नहीं आ पाते हैं, सरकारी व्यवस्थाएँ भी उतनी नहीं हो पाती है, उन भाइयों तक घर घर जाकर उनको सामग्री देंगे और इनको प्रेम से भोजन प्रसाद कराना है। गरीबी में जीवन यापन करने वाले इन लोगों के घर घर जाकर उन्हें कंबल, स्टील के बर्तन, रोजमर्रा में उपयोगी वस्तुएं बांटी गई, साथ ही दक्षिणा भी दी गई। बापू के भंडारण से गांव वालों के लिए भोजन व्यवस्था है और गांव वालों को किट में आटा है, साबुन है, तेल है, मसाला है और कपड़े भी है, मोजे है, जूते चप्पल वगैरह है। लोगों को घर घर जाके जरूरतमंद के हिसाब से वितरण किया जा रहा है। अपनी जरूरत की वस्तुओं को पाकर इनके चेहरों पर मुस्कान आ गई। बच्चों को भी अलग से कपड़े, मिठाई, कंबल, चप्पल आदि बांटे गए। नारायण स्वरूप निर्दोष हृदय के बच्चों ने भी बापूजी के प्रति अहोभाव व्यक्त किए और बापूजी के श्री विग्रह को सदा सदा के लिए अपने घर एवं अपने हृदय में बसा लिया। सेवाधारियों को भी इन जरूरतमंद गरीब गुरबों की दौड़ दौड़ कर सेवा करने में जो आनंद मिल रहा था, उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। अब हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान उदयपुर के ही कालीवास गांव में, जहां पहले इन दरिद्र नारायणों को साध्वी रेखा बहन के सत्संग कीर्तन का लाभ मिला। फिर शुरू हुआ दैनिक उपयोगी वस्तुओं का वितरण। कतारबद्ध व्यवस्थित तरीके से बिठाकर इन्हें कपड़े, दक्षिणा, मिठाई, मोजे, नोटबुक, कैलेंडर आदि बांटे गए। दैनिक जरूरतों को पूरा होता देखकर इनके चेहरे की खुशी व हृदय में बापूजी के लिए भाव देखते ही बनता था। एक ही दिन में दो दो जगह विशाल भंडारे करते करते रात कैसे हो गई पता ही नहीं चला। फिर तो अंधेरे में ही यहाँ के दरिद्र नारायणों ने भोजन प्रसादी का लाभ लिया। आइए अब रुख करते हैं राजस्थान के ही गोगुंदा क्षेत्र के नाल गांव की ओर। पूज्य बापूजी ने आप सब गांव वालों के लिए, गोगुंदा वासियों के लिए और आसपास के क्षेत्रों के लिए बापूजी ने विशेष विशेष आज्ञा भेजी है कि सबके घरों में जाना है, एक एक के घर में जाके उसको कंबल, मिठाई, हंडी, दक्षिणा, कपड़ा सबके घर जाके देना है और सत्संग सुनाना है, भगवान नाम जप करवाना है और उनको खास गाँव वालों को बोलना कि एल्यूमिनियम के बर्तन में भोजन बनाना छोड़ दें।
सुंदर प्रकृति माँ की गोद में बसे इस गांव में भी उत्तरायण पर्व के निमित्त साध्वी रेखा बहन के सत्संग के साथ विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। बच्चे हो या बड़े बूढ़े, माई हो या भाई, हर व्यक्ति यहां अपने दिल को भगवान के मधुमय सुमिरन से पावन कर रहा था। इसके बाद जब कीर्तन शुरू हुआ तो ये अपने पैरों को रोक नहीं पाए और झूम उठे हरिनाम कीर्तन की धुन पर। कीर्तन के साथ कतारबद्ध तरीके से भोजन प्रसादी पाते हुए विशाल जन समुदाय का यह दृश्य सचमुच देखते ही बनता था। गोगुंदा के पास में ये 20 किलोमीटर अंदर है, एकदम आदिवासी एरिया है। यहाँ पे हमारे गुरु भाई अहमदाबाद से भी आए और हमारी समिति से भी आए, मेवाड़ समिति से, और साधक भाई आए हैं, सेवा कर रहे हैं और भंडारा रखा है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी संख्या रही, कम से कम 1000 के लगभग संख्या थी और सभी को घर पर जाके हमारे साधक भाई किट बांट के आएंगे उनको। उसके बाद साधकों की ये टीम जरूरत की सामग्रियां बोरियों में भर के गाड़ियों में लाद कर चल पड़ी अपने अगले पड़ाव यानी कुंडला गांव की तरफ। यहां पहुंचने के लिए न तो ठीक रास्ते थे न ही कोई पक्की सड़क, फिर भी बापूजी के साधकों का उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। इन खतरनाक रास्तों को पार कर आखिर वे पहुंच ही गए अपने सेवा क्षेत्र में। नाल के पास में ये मुखी गांव है जो पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है और यहाँ पहाड़ी के ऊपर में कहते हैं कि 250 के करीब मकान हैं जहाँ लोग रहते हैं। उनके पास में भौतिक सुविधाएं बहुत कम हैं, जिसके विषय में जब पता चला तो हमारे गुरुदेव ने तुरंत पूरे साधकों को बोला कि अपना पूरी एक टीम लेकर के वहाँ जाओ, उनके लिए जीवन उपयोगी चीज वस्तुएं इकट्ठा करो और उनके घर घर पर पहुँचाओ। गाड़ियों का सफर पूरा हुआ, अब ऐसा रास्ता आया जहाँ गाड़ियाँ भी नहीं जा सकती। ऐसे दुर्गम मार्ग पर बापूजी के साधक पैदल ही चल पड़े दरिद्र नारायणों की सेवा में। यहां भी घर घर जाकर आटा, दाल, चावल, कपड़े, मिठाई, कंबल, कैलेंडर, दक्षिणा बांटी गई। नेत्र रोगों से पीड़ित लोगों का नेत्र बिंदु द्वारा उपचार भी किया गया। पूज्य बापूजी बताते हैं कि एल्यूमिनियम के बर्तनों में भोजन बनाने से स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है, इसी कारण इनसे पुराने एल्यूमिनियम के बर्तन लेकर इन्हें भोजन बनाने के लिए नए स्टील के बर्तन दिए गए। स्टील का बर्तन नहीं बनाओ, ठीक है, इनकी बीमारी आवे। बापूजी के साधकों की सेवा देखकर नहीं लगता
कि बापूजी इनसे एक पल भी दूर हैं। वे हर पल इनके साथ रहते हैं और हर क्षेत्र में इन्हें सेवा करने की शक्ति व सामर्थ्य प्रदान करते हैं। राम राम।